गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रिलेवेंट क्लास फिफ्थ। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट पेज। नाउ द यंग मैन वॉज इन ट्रबल। अब युवा आदमी परेशानी में था। ही हैरीड अप टू द इंटेलिजेंट सेलर। वह जल्दी से बुद्धि विक्रेता के पास गया एंड सेड, और कहा, गिव मी सम इंटेलिजेंट, मुझे कुछ बुद्धि दे दो। एंड टोल्ड हिम द होल मैटर, और उसे पूरी कहानी बताई। इट विल, अब गोपाल क्या बोलता है, बुद्धि विक्रेता क्या कहता है, इट विल कॉस्ट 500 रुपीज़ नाउ। अब इसकी कीमत 500 रुपये हो गई है, सेड द इंटेलिजेंट सेलर, बुद्धि विक्रेता ने कहा। Having no alternative of saving his life, अपने जीवन को बचाने का उसके पास कोई विकल्प नहीं था। The man quickly paid, आदमी ने जल्दी से पैसा पेड किया, अदा किया। He received a paper on which it was written that, उसने एक पेपर, एक कागज प्राप्त किया जिसमें यह लिखा हुआ था that कि इन द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में, एक्ट लाइक यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी, एक्ट लाइक यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी, राजा के दरबार में ऐसे बर्ताव करना जैसे आपकी याददाश्त खो गई हो, यह लिखा हुआ था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग, अगले दिन आदमी, युवा आदमी राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। And he acted like he had lost his memory. और उसने ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। The king sent him away in disgust and the young man's family was delighted. राजा उसे दूर भगा दिया गुस्सा के साथ, घृणा के साथ, जब उसकी याद ऐसे बर्ताव किया राजा के दरबार में जैसे उसकी याददाश्त खो गई हो। इस वजह से राजा ने उसे अपने से दूर भगा दिया क्योंकि वह गुस्सा गया कि एक पागल व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया है। द किंग सेंट हिम अवे इन डिस्गस्ट, राजा परेशान होकर उसे दूर भेज दिया। एंड द यंग मैन फैमिली वॉज डिलाइटेड, और युवा आदमी का परिवार खुश हो गया। Now the father of the young man realized, अब युवा आदमी के पिता ने महसूस किया that कि his son would need to act like this all the time, otherwise the king would discover that he had been treated. Now the father of the young man realized, अब युवा आदमी के पिता ने महसूस किया कि his son would need to act, कि उसके बेटे को ऐसे बर्ताव की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक दिस, इस तरह के बर्ताव की ज़रूरत हो, लाइक दिस ऑल द टाइम, डैट हिज सन वुड नीड टू एक्ट लाइक दिस ऑल द टाइम। अब युवा आदमी के पिता ने महसूस किया कि उसके बेटे को इस प्रकार के बर्ताव की हर समय आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज द किंग वुड डिस्कवर, अदरवाइज, अन्यथा राजा पता लगा लेगा डैट कि ही हैड बीन ट्रीटेड, कि उसने उसे धोखा दिया है। किसने धोखा दिया, युवा आदमी ने राजा को धोखा दिया है, ऐसा राजा पता लगा लेगा। इस वजह से अब उसके बेटे को इस प्रकार के बर्ताव की, इस प्रकार के व्यवहार की हर समय आवश्यकता पड़ेगी। सो नाउ ही वेंट टू द इंटेलिजेंट सेलर टू बाई सम इंटेलिजेंट, इसलिए वह बुद्धि विक्रेता, सो नाउ ही वेंट टू द इंटेलिजेंट सेलर, इसलिए अब वह बुद्धि विक्रेता के पास गया टू बाई सम इंटेलिजेंट, कुछ बुद्धि खरीदने के लिए, इसलिए अब वह बुद्धि विक्रेता के पास कुछ बुद्धि खरीदने के लिए गया। अब क्या बोलता है बुद्धि विक्रेता, नाउ यू मस्ट पे 1000 रुपीज, सेड द इंटेलिजेंट सेलर, अब आपको 1000 रुपये अदा करनी होगी, सेड द इंटेलिजेंट सेलर, बुद्धि विक्रेता ने कहा। द मैन पेड एंड रिसीव द एडवाइज, आदमी ने पैसा अदा किया और सलाह प्राप्त किया। क्या सलाह था, व्हेन द किंग इज इन ए गुड मूड, जब राजा एक अच्छे मूड में होगा, एक अच्छी स्थिति में होगा, व्हेन द किंग इज इन ए गुड मूड, जब राजा एक अच्छे मूड में होता है, हैव यू
हैव योर सन टेल हिम द ट्रुथ, तो आपका बेटा उस समय उनसे सच्चाई बता देगा। द एडवाइस वर, सलाह काम किया। एंड द किंग फॉरगिव द पुलिसमैन, और राजा ने मूर्ख आदमी को माफ़ कर दिया। द किंग वॉज इम्प्रिजेंट बाई द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट सेलर, राजा इन बुद्धि विक्रेता के बुद्धि के द्वारा प्रभावित हुआ। सो ही वेंट टू बाई सम इंटेलिजेंस फ्रॉम हिम, इसलिए अब वह कौन राजा, इसलिए वह कुछ बुद्धि खरीदने के लिए उसके पास गया, राजा गया। अब गोकुल क्या, राजा इंटेलिजेंट सेलर क्या बोलता है, गोकुल क्या कहता है, गोकुल रिप्लाइड, गोकुल ने उत्तर दिया, सर्टनली निश्चित ही योर मजिस्ट्री महाराज, इट विल कास्ट यू ए लाख ऑफ रुपीज, निश्चित है महाराज, अब इसको इसकी कीमत आपको 1,00,000 देनी होगी। द किंग पेड एट वंस, राजा ने तुरंत अदा कर दिया। एंड रिसीव सम राइटिंग, और कुछ लिखा हुआ प्राप्त किया। क्या लिखा हुआ प्राप्त किया? ही रीड केयरफुली, उसने सावधानी से पढ़ा। ऑलवेज थिंक डीपली, हमेशा गहराई से सोचना। बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले। क्या लिखा प्राप्त किया, क्या लिखा हुआ था कि कुछ भी करने से पहले हमेशा गहराई से विचार करना, गहराई से सोचना। द किंग वॉज प्लीज, राजा खुश हो गया। एंड हैड दोज वर्ड्स एंड हैड दोज वर्ड्स इनग्रेव्ड ऑल ओवर द प्लेस। इनग्रेव्ड मीन्स होता उत्कीर्ण करना, फैलाना। एंड हैड दोज वर्ड्स इनग्रेव्ड ऑल ओवर द प्लेस, और उसके उन शब्दों को वह पूरे स्थान पर फैला दिया, उत्कीर्ण कर दिया, फैला दिया। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग फेल इल, राजा बीमार पड़ गया। हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब द डॉक्टर टू पुट पॉइजन इन हिज मेडिसिन, तो उसके प्रधानमंत्री ने ब्राइब में रिश्वत दिया, घूस दिया। हिज प्राइम मिनिस्टर ब्राइब द डॉक्टर, उसके प्रधानमंत्री ने, उसके मंत्री ने, महामंत्री ने डॉक्टर को घूस दिया। टू पुट पॉइजन इन हिज मेडिसिन, कि वह उसके दवाइयों में जहर रखे। एज ही वॉन्टेड टू बिकम द किंग, जैसा कि वह राजा बनना चाहता था। एज द किंग रेज्ड हिज कप टू ड्रिंक हिज मेडिसिन, और जैसे ही राजा ने अपनी दवाई को पीने के लिए कप को उठाया, ही सा द वर्ड्स इनग्रेव ऑन इट, तो उसने उन शब्दों को देखा जो इस पर इनग्रेव थे, उत्कृष्ट थे। ऑलवेज थिंक डीपली बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले हमेशा गहराई से सोचना। स्लोली ही पुट द कप डाउन, धीरे से उसने कप को नीचे रख दिया। एंड थॉट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए विचार किया। द डॉक्टर वॉज अफ्रेड दैट किंग न्यू एवरीथिंग, डॉक्टर डर गया कि राजा सब कुछ जान गया। डॉक्टर डर गया क्योंकि उसे लगा कि राजा सब कुछ जान गया। सो ही हिमसेल्फ टोल्ड हिम द मैटर, इसलिए उसने स्वयं ही कहा, उस सारा मामला बताया। एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, और गलती के लिए माफ़ी मांगी। व्हेन द किंग हियर द होल स्टोरी, जब राजा ने पूरी कहानी सुनी, ही इम्प्रेजेंट हिज प्राइम मिनिस्टर, तो उसने अपने महामंत्री को बंदी बनाया। एंड रिवार्डर द इंटेलिजेंट सेलर विथ ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, और बुद्ध विक्रेता को सोने के सिक्के से भरे हुए बैग के साथ पुरस्कृत किया। गोकुल द इंटेलिजेंट सेलर वॉज नाउ रिच इनफ टू गिव एडवाइस फ्रीली, गोकुल जो इंटेलिजेंट सेलर था अब वह धनी हो गया था, टू गिव एडवाइस फ्रीली, और लोगों को फ्रीली और स्वतंत्रता होकर सलाह देता था। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम एज ही एडवाइजर इन द कोर्ट, और राजा ने उसे अपने दरबार और राजा ने उसे उसे दरबार में अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। अंडरस्टैंड, अब आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई बेटा। अब देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, देखिए बेटा
अब कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इन वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। जी वर्ड मीनिंग बुक में दिया है, आपको बुक में ही ऐसे रहने देना है, बशर्ते उसकी हिंदी मीनिंग देख लीजिए। सर्वाइवल मीन्स होता है जीविका। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि या बुद्धिमता। फुलिश मीन्स मूर्ख। नॉनसेंस मीन्स भी मूर्ख होता है या जिसके पास समझ ना हो, तो आप मूर्ख लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प। स्ट्रेंज मीन्स असामान्य। क्रिसली मीन्स होता है जिज्ञासा अथवा उत्साह। उत्साह आप राइट कर लीजिए, क्रिसली मीन्स उत्साह। स्ट्रोलिंग मीन्स होता है टहलते हुए। अटेंडेंस में नौकरानी, नौकरानी। डिलाइटेड मीन्स खुशी या प्रसन्नता, तो खुशी आप राइट कर लीजिएगा। अब आप इंग्लिश मीनिंग भी देख लीजिए। सर्वाइवल का इंग्लिश मीनिंग होता है सस्टेंस। इंटेलिजेंस का ब्रिलियंस। पुलिस का स्टूपेंड। नॉनसेंस विदाउट एनी सेंस। अल्टरनेटिव ऑप्शन। स्ट्रेन अनयूजल। क्रिसली विथ ग्रेट एक्साइटमेंट। स्ट्रोलिंग वॉकिंग अराउंड। अटेंडेंट सर्वेंट। डिलाइटेड हैप्पी। अंडरस्टैंड। अब बेटा ये सेकंड चैप्टर का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब बुक की वर्ड मीनिंग हो गई। कॉपी की वर्ड मीनिंग कॉपी में करवाई जाएगी और उसका क्वेश्चन आंसर भी। बुक वर्क भी देख लीजिए बेटा। फिल इन टिक द करेक्ट आंसर। वर्कआउट है टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक करी। वेयर डिड गोकुल लिव। गोकुल कहाँ रहता था? टाउन सिटी विलेज। तो कहाँ रहता था बेटा? विलेज में। देयर वॉज ए बॉय ही लिव्ड इन ए विलेज। तो विलेज आप यहाँ पर विलेज पर टिक करिए। पहले का तीसरा ऑप्शन सही है। व्हाट मेड गोकुल टू सेल इंटेलिजेंट। व्हाट मेड क्या बनाता था गोकुल सेल इंटेलिजेंट बुद्ध विक्रेता के लिए? पॉवर्टी या प्रॉस्पर्टी या लेजीनेस। संपत्ति बना था पर सब पॉवर्टी कमाना चाहता था। व्हाट वॉज पुलिस मैन डूइंग ऑन द रोड। मूर्ख आदमी। व्हाट वॉज पुलिस मैन क्या था मूर्ख आदमी डूइंग कर रहा था सड़क पर। व्हाट वॉज पुलिस मैन डूइंग ऑन द रोड। मूर्ख आदमी सड़क पर क्या कर रहा था? रनिंग वॉकिंग स्लीपिंग। तो वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था। तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा। इसे कॉपी में करना तो कॉपी में करवा जाएगा। देखिए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द किंग इसमें रहेगा इम्प्रिजेंट ही प्राइम मिनिस्टर। राजा ने अपने महामंत्री को बंदी बनाया, इम्प्रिजेंट। दूसरा है द किंग अपॉइंटेड गोकुल एज ही एडवाइजर इन द कोर्ट। राजा ने गोकुल को दरबार में अपने एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया, सलाहकार एडवाइजर। तीसरा ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ सेलिंग इंटेलिजेंट। उसने कौन सा काम शुरू कर दिया था? सेलिंग इंटेलिजेंट बुद्धि को बेचने का काम, बुद्ध सेलिंग इंटेलिजेंट। द फुलिश मैन बॉट वन वर्थ ऑफ इंटेलिजेंट। मूर्ख आदमी ने खरीदा था इंटेलिजेंट को कितने में? वन रुपीज में। तो वन वर्थ रहेगा बेटा, यहाँ वन लिखिएगा। गोकुल हैड पास्ड हिज एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जाम पास किया था? सेकेंडरी बारहवीं की परीक्षा। गोकुल हैज पास्ड हिज सेकेंडरी एग्जामिनेशन। बुक में सारा वर्ड है, इसे आप स्पेलिंग अगर करेक्ट आपको नहीं मिलता है तो बुक में देख लीजिएगा बेटा। फिर है द जॉब ऑफ सेलिंग इंटेलिजेंट डिड नॉट फेच हिम मच। सेलिंग इंटेलिजेंट बेचने का जो जॉब था उससे वह ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। तो ये था। और फिर आपका हिज फादर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द मनी बैक फ्रॉम। कौन कहा था कि हीज आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द मनी बैक वापस फ्रॉम इंटेलिजेंट सेलर। तो कौन कहा था? हिज फादर, उसके पापा ने। हिज फादर आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द मनी बैक फ्रॉम इंटेलिजेंट सेलर। तो फादर रहेगा बेटा, एक बार देख लीजिए। पहले में इम्प्रिजेंट, दूसरे में एडवाइजर, तीसरे में इंटेलिजेंट, चौथे में वन, पाँचवें में सेकेंडरी, छठवें में सेलिंग इंटेलिजेंट और सातवें में फादर। अब देखिए बेटा ग्रो विथ वाक बुली। ये लेसन सेकंड के ही है। पीछे देखिए पेज नंबर आपका है 14। तो पेज नंबर 14 लेसन सेकंड में ही बेटा है। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे दिए शब्दों का सिनोनिम ढूंढिए। तो सिनोनिम्स ही बताना बेटा जो मिलता जुलता वर्ड रहे। तो देखिए डिसएग्री का, डिसएग्री मीन्स सहमत ना होना। तो रिजेक्ट मीन्स भी इनकार करना होता, सहमत ना होना। रिजेक्ट। लव का रहेगा डियर। अगर कोई आपको और वर्ड मिलता है तो उसे आप राइट कर सकते हैं। डिसएग्री का रिजेक्ट, लव का डियर, हैप्पी का डिलाइट, हाई का टॉप, क्रूअल का रूडली, नाइस का गुड, काइंड का लिबरल, LIVERAL रिवलर, गॉड का अलमाइटी। अगर कोई और इसकी सिनोनिम्स आपको मिलती है बेटा तो आप राइट कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड। That's all.
सॉरी बेटा, एक चीज़ और देख लीजिए, आपको लर्न असाइनमेंट क्या है, लर्न वर्ड मीनिंग लेसन सेकंड। तो आपका ये बेटा बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर इन कॉपी की वर्ड मीनिंग कॉपी में करवाएंगे, फिर कंप्लीट। तो उसके पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।